उपमंडल जवाली के अधीन जवाली में खाद्य पंजीकरण एवं लाइसेंस जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें सहायक कमिश्नर खाद्य आपूर्ति विभाग सविता ठाकुर ने विशेष तौर पर शिरकत की। सहायक कमिश्नर खाद्य आपूर्ति विभाग सविता ठाकुर ने कहा कि हर दुकानदार के पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। खाद्य लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया व उसमें लगने वाले दस्तावेजों व फीस के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के दुकान नहीं चला सकता है। उन्होंने कहा कि लाइसेंस का समय पर नवीनीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि होटल व रेस्टोरेंट वालों को भी लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दुकानदार बिना लाइसेंस से दुकान चलाता पाया गया तो फूड सेफ्टी एक्ट के तहत उसके खिलाफ विभाग द्वारा सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो भी खाद्य विक्रेता है उनके लिए रखा गया था, जिसमें कि उनको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की किस तरह से अप्लाई किया जाता है उसके बारे में बताया गया, और सभी को जागरूक किया गया कि लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, अपनी शॉप को रजिस्टर या उसका लाइसेंस लेना कितना ज़रूरी है, और जो भी हमारे विभाग के इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में बताया गया कि किस तरह से आपने जो भी आप सामान बेचते हो उसमें लेबल होना कितना ज़रूरी है, और उसमें सब कुछ मेंशन, खुला सामान ना बेचें, और जो भी आप किसी भी चीज़ को पैक करते हो तो उसमें लेबल लगाना कितना ज़रूरी है। जागरूक कर दिया है कि हमारे विभाग ने ही बोला है कि सभी दुकानदारों को हर एक जिले में जाके जो भी एरियाज हैं वहाँ पे सभी को जागरूक करना है कि लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कितना ज़रूरी है। अगर फिर भी ये नहीं बनाते हैं तो इसी में जो हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है उसी में प्रोविजन है 63 अगर सेक्शन उसका देखोगे तो उसमें जेल भी है और फाइन का प्रोविजन भी है।